हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे आम के टॉफ़ी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे अगर आप एक बार खाएंगे तो आपका मन करेगा बस इसे खाते ही जाएं। ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसके लिए हमें चाहिए कच्चा आम टॉफ़ी, जो हर जगह पर बहुत ही इजीली मिल जाता है और ये बच्चों को बड़ों को ये टॉफ़ी बहुत ही पसंद होती है। तो सबसे पहले हम इसमें से टॉफ़ी को निकाल के अलग कर लेंगे। तो हम एक बोल ले लेंगे और सारी टॉफ़ी को निकाल कर अलग कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये 15 टॉफ़ी ली है। 15 टॉफ़ी में आपकी 8 आइसक्रीम बन जाएगी, 8 से 10 आइसक्रीम आपकी बन जाएगी। तो देखिए, सारी टॉफ़ी को मैंने बोल में निकाल लिया है। और हम ले लेंगे एक प्लास्टिक, आप कोई सा भी प्लास्टिक ले सकते हैं। मैंने ये सिंपल सा सामान वाला प्लास्टिक लिया है जो हमें मार्केट से मिलता है। और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और अब हमें इसे क्रश करना है, इस टॉफ़ी को। आप किसी से भी इसे क्रश कर सकते हैं, हल्का हल्का सा। बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है आपको। हल्का हल्का सा आप इसे क्रश कर दें इस तरह से। ये देखिए, सारी टॉफ़ी को मैंने क्रश कर दिया है। और इसे हम निकाल देंगे एक बोल में। तो ये देखिए, टॉफ़ी को मैंने बोल में निकाल दिया है। इसे हम साइड में रखेंगे। और इसके बाद हम गैस पर रखेंगे एक पतीली और इसमें हम डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। और इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 कप चीनी। मिक्स करेंगे इसे हम। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। वैसे तो ये जो टॉफ़ी है ये मीठी भी होती है और खट्टी भी होती है, लेकिन इतने सारे पानी में जब हम उतनी टॉफ़ी ऐड करेंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए हम इसमें अलग से चीनी और नींबू का रस ऐड कर रहे हैं। और इसे हमें पका लेना है जब तक कि चीनी जो है वो घुल नहीं जाती। तो ये देखिए, चीनी घुल गई है। तो अब हम इसमें क्रश की हुई टॉफ़ी ऐड करेंगे। और अब आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको कोई फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत है। इस टॉफ़ी से ही बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसमें, ग्रीन कलर। और अब हमें इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है आपको घड़ी देखकर। अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा पकाएंगे तो हो सकता है कि इसमें चीनी की वजह से इसकी थोड़ी गाढ़ी सी चाशनी बन सकती है। तो इसलिए आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, जिससे कि टॉफ़ी जो है वो पानी में अच्छे से घुल जाए। तो आप टाइम देखकर सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे पका लें। इस तरह से चलाते हुए आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर आया है। इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। ये देखिए, पकने के बाद इसका कलर थोड़ा और डार्क हो गया है। तो 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कुल्फ़ी वाला मोल्ड ले लिया है इसे बनाने के लिए। तो इसमें हम डाल देंगे उस मिक्सचर को। और अब हम इसे कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से। इसके बाद हम इसमें लगा देंगे आइसक्रीम वाली स्टिक। और अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र के अंदर 8 से 9 घंटे या फिर रात भर के लिए, जब तक कि ये जो आइसक्रीम है अच्छे से सेट नहीं हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे रात भर के लिए छोड़ दिया था और फिर निकाला है। इसे हम डिप कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए पानी में। इसके बाद इसे इस तरह से ट्विस्ट करते हुए डिमोल्ड करेंगे। ये देखिए, आप इसे इस तरह से ट्विस्ट करें, ये बहुत ही ईजिली निकल जाता है। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसमें हमने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया था और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक आइसक्रीम खाएंगे तो आपका मन करेगा बस इसे खाते ही जाएं। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।